दोस्तों, इंडिया ट्रैवल वीडियोस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम तुम्हें ले चलते हैं मध्ययुगीन सबसे ताकतवर और रहस्यमय किले दौलताबाद यानी कि देवगिरी किले पर। मैं हूं जयंत विलायतकर और मेरे साथ है अरविंद चव्हाण। ये किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद से वेरूर यानी कि एलोरा केव्स जाने के रास्ते में ही ये किला है। ये किला दौलताबाद नाम के गांव में है। इस गांव का नाम 14वीं शताब्दी में देवगिरी था। देवगिरी यादव की राजधानी का नगर हुआ करता था। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में राजा भिल्लम यादव ने किया था। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुगल शासकों ने राज किया। यहाँ भारतवासियों के लिए 25 रुपए तथा विदेशियों के लिए 300 रुपए का प्रवेश शुल्क है। किले में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। सबसे पहले हमें महाकोट दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। ये किले का मुख्य दरवाजा है। ये एक ऐसा किला है जिसे सीधे सीधे युद्ध में कोई नहीं जीत पाया। इसे जीता गया तो सिर्फ गद्दारी या फिर धोखाधड़ी से। इस रहस्यमय किले को लड़ाई से क्यों नहीं जीता गया, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य दरवाजे से अंदर आते ही यहाँ पर उस जमाने में उपयोग में आने वाली कुछ तोपें प्रदर्शन में रखी है। आज ये तोपें जहाँ रखी है शायद उस जमाने में पहरा देने वाले सैनिक रहा करते होंगे, या फिर राजा और सरदारों को मिलने आने वाले लोगों को रुकने का प्रबंध भी यहाँ किया जाता होगा। किले के दूसरे दरवाजे पर हाथी का सुंदर शिल्प है। लगभग 900 सालों से ये दीवारें खड़ी है। अचरज की बात है कि किले के लकड़ी के दरवाजे आज भी साबुत है। इस दरवाजे से अंदर आने पर आपको लगता है कि आप किले में पहुंच ही गए हैं, लेकिन सामने और एक दरवाजा है। आपकी नजर एक बड़े मीनार पर पड़ती है। बाई ओर हिंदू मंदिर दिखाई देंगे और बाई ओर कुछ मजारें बनी है। भारत में दिल्ली की कुतुब मीनार के बाद ये सबसे बड़ा मीनार है। सन 1445 में जब अल उद्दीन बहमनी के पास ये किला आया, तब उसकी याद में, जीत की याद में कुतुब मीनार के जैसा दिखने वाला ये चांद मीनार यहाँ पे बनाया गया। ये 3 मंजिला इमारत है जिसमें 230 सीढ़ियां है। इसकी ऊंचाई लगभग 210 फीट है। बाई ओर भारत माता मंदिर है। असल में ये एक पुरातन मंदिर है। मंदिर की बाजुओं के स्तंभों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर छत हुआ करती होगी। यहाँ पर कला और संगीत की सभाओं का आयोजन हुआ करता होगा। मंदिर की रचना से पता चलता है कि यह मंदिर यादवकालीन है। शायद इस मंदिर की असल मूरत को यहाँ से हटा दिया गया था। भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत माता की मूर्ति की यहाँ स्थापना की गई। ये किला महाराष्ट्र के 7 अचरजों में से एक है। मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ा पानी का कुंड है जो अभी सूखा है। चलो वापस किले की ओर चलते हैं। ये किला 3 स्तर वाली 4 दीवारी से घेरा गया है जिसे कोट कहते हैं। इसके नाम है अंबेल कोट, महाकोट और काला कोट। काला कोट तटबंदी के बाहर एक और पुरातन मंदिर है। इस मंदिर में अब कोई भगवान की मूर्त नहीं है। देवगिरी साहित्य और कला विश्व में इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था कि जितनी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पर एक संगीत राग का निर्माण किया गया जिसे देवगिरी बिलावल नाम से भी जाना जाता है। काला कोट दीवार के दरवाजे से अंदर जाते ही दूसरा दरवाजा दिखाई देता है। ये घुमावदार रास्ते शत्रुओं की चाल धीमे कर देती थी। यहां पर शायद सैनिकों की चौकी हुआ करती थी। सन 1326 में दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने
अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी पर लाई थी और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। लेकिन उसकी ये कोशिश असफल रही और उसे अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले जानी पड़ी थी। सामने जो महल है उसे चीनी महल कहा जाता है। ये असल में महल का अंदरूनी हिस्सा है जिसकी छत पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहां से अंदर जाने पर भी एक वास्तु थी जिसका छत भी नष्ट हो चुका है। इस बुर्ज पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम मेंढा तोप है। पंचधातु से बनी इस तोप का एक भाग भेड़ की मुंह के आकार में बना है। इस तोप पर लिखा हुआ है किला शिखन तोप, यानी कि किला उध्वस्त करने वाली तोप। यहां से पूरे किले का सुंदर नजारा दिखाई देता है। अब हम मुख्य किले पर जा रहे हैं। यहां पर 70 फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी खाई है। आज इस पर लकड़ी और लोहे से बना पुल है, लेकिन उस जमाने में चमड़े का पुल हुआ करता था। शत्रु के आते ही इसे खींच लिया जाता था। नीचे खाई में मगरमच्छ हुआ करते थे। इतनी सारी मुश्किलें पार करके भी शत्रु आगे आए तो भी उसे घुमावदार और संकरे रास्तों से आगे गुजरना पड़ता था। यहां पर भी अंधेरा होता होगा। अभी छत मौजूद नहीं है। सामने दिखाई देने वाला तंग दरवाजा अंदर जाने का एकमेव रास्ता है। आगे दिखाई देने वाली रोशनी पहले नहीं हुआ करती थी, तब यहां से पूरी तरह से अंधेरा हुआ करता था। ये किले पर जाने के लिए एक संकरा रास्ता था जहां पर शत्रुओं को झुक कर जाना पड़ता था। जैसे ही शत्रु सर बाहर निकाले उसे कलम कर दिया जाता था और धड़ को खींच के बगल की खाई में फेंक दिया जाता था। यहां पर पुरातत्व विभाग ने बगल से सीढ़ियां बनाई है जिसके उपयोग से आप इस भूल भुलैये में बिना गए सीधे ऊपर पहुंच सकते हैं। इस पे छत हुआ करती थी और जब हम अंधेरी गुफा से आए तो ये पूरा पत्थरों से कवर्ड था, यानी ये अंधेरी गुफा हुआ करती थी। यहां से भूल भुलैया की शुरुआत होती है। रोशनी का एक ही जरिया था और यहां से उनको दो दरवाजे देखते हैं। जब तक ये सोचे कि इस दरवाजे से जाओ या फिर उस, तब तक ऊपर से गर्म तेल या फिर पानी उन पे डाल दिया जाता था। दिन में भी यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है। इसी तरह से शत्रु इस अंधेरी सुरंग में ही भटक जाता है। ये हवा के सर्कुलेशन के लिए यहां पे बनाया गया था। ये और एक हवा के झोंके के लिए झरोखा बनाया गया। सैनिक जगह जगह यहां पे छुपे रहते थे और तालाब से छुपे हुए हमला होता था। यहाँ पर शत्रु आने पर उसे दो रास्ते दिखाई देते थे। तब आधे सैनिक एक रास्ते से जाते थे और बाकी के दूसरे रास्ते से। दोनों रास्ते घूमकर एक ही जगह आते थे और एक ही सेना के सैनिक एक दूसरे को शत्रु समझकर आपस में लड़ते थे। इस भूल भुलैये में ये एक असली रास्ता हुआ करता था ऊपर जाने के लिए, पर ऊपर तखनी जलाई जाती थी जिसके कारण धुआं नीचे आता था। सांस घुटने के बाद वो नीचे आता था। कहां तो यहां से ठंडी हवा आती थी इस झरोखे में से, तो नीचे सीधे जाके वो गिरता था 150 फीट खाई में जहां पे मगरमच्छ उसका इंतजार करते थे। आगे का रास्ता पहाड़ को खोद कर बनाया गया था। उस पर ये लोहे की स्लाइडिंग प्लेट रखी हुई है। संकट समय पर इसे बंद कर दिया जाता था। आप सोच में पड़ते हैं, इतनी सारी मुश्किलें पार कर कोई कैसे यहां तक जीवित पहुंचेगा।
अब बारी आती है सीढ़ियां चढ़ने की। थोड़ा ऊपर जाने पर दरवाजे के अवशेष है, यहाँ पर भी एक महल जैसी इमारत हुआ करती होगी। बगल में ही श्री गणेश जी का मंदिर है। अगर आपका फिटनेस कम है तो सीढ़ियां चढ़ते हुए सावधानी जरूर बरतें और रुक रुक कर सीढ़ियां चढ़े। कुछ लोग ऐतिहासिक स्थलों पर अपना नाम लिखने की छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आते। कृपया आप ऐसी हरकत ना करें और ना किसी को करने दें। सामने अष्टकोनी बारादरी महल है। इस महल का निर्माण और उपयोग मुगलों द्वारा किया जाता था। मुगल राज्यकर्ता यहाँ पर गर्मियों में वक्त बिताने के लिए आते थे। यहाँ पर रहने की सुविधा के साथ साथ सभागृह, मनोरंजन और स्नान गृह भी हुआ करता था। इस विशाल धनुषाकार खिड़कियों के सामने का दृश्य सुंदर दिखाई देता है। जमीन पर बना हुआ किले का एक दरवाजा। इस किले की दीवार 8 किलोमीटर लंबी है। आगे विशाल बुर्ज के नीचे एक गुफा है जिसमें पानी संचय करने की व्यवस्था है। यहाँ पर जनार्दन स्वामी की खड़ा रखी गई है। आगे जाते ही बाई और काला पहाड़ नामक तोप है। गुफा से 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम किले की सबसे ऊंची स्थान पर आते हैं। यहां से किले का पूरा घेरा और दीवारें दिखाई देती है। सामने पार्किंग में हमारी कार भी दिखाई दे रही है। यहां पर भी एक तोप है जिसकी लंबाई 20 फीट है। इस तोप का नाम दुर्गा या धूलधान यानी के सब कुछ मिटा देने वाली तोप है। तो दोस्तों, आज हमने देखा मध्य युग का सबसे महत्वपूर्ण किला जिसे जीतना कई राजा महाराजाओं की इच्छा थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और आप किस किस किले को देखना पसंद करेंगे ये भी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरविंद चौहान और मैं जयंत आप सभी से विदा चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय महाराष्ट्र।